इस हफ्ते का कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। यस सर। अरे तुम कल सुबह 9 बजे मयूर थिएटर जाके ना अगली फिल्म की रील लेके आना, ठीक है? ओके सर। और एक काम करो, वहां के मैनेजर का नंबर ले लो मुझसे। जी। अरे मेरा मोबाइल लगता है अंदर ही रह गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ओके बाय। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट। कहाँ रख दिया मोबाइल? कौन है अंदर? यहां तो कोई नहीं है। अरे ये प्रोजेक्टर कैसे ऑन रह गया? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कौन फिल्म देख रहा है? और तुम थिएटर में कोई बैठा है इस वक्त? ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। कौन है वहां पर? कौन है? हमारे थिएटर का नहीं है। हमारे थिएटर का नहीं है तो प्रोजेक्शन रूम में कैसे पहुंचा? सर पता नहीं। मेरा स्टूडियो एनीवे इसका एड्रेस पता करो और इसे फॉर्म भेज दो। समझ गए? ठीक है सर। ओके। तू नर्वस वर्वस नहीं हो रहा ना? नर्वस? पहले मैं क्यों नर्वस होऊंगा? यामिनी ने आज तुझे पहली बार अपने घर बुलाया अपने पापा से मिलने के लिए। चेहरे पे थोड़ी शर्माहट लाना मेरे दोस्त। मुझे अकेले बुलाया, तुझे भी तो बुलाया, तो फिर तू क्यों नहीं शर्माता? तू यार। हाय यामिनी। तुम दोनों आ गए? पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। ये कितना वक्त लगा था तैयार होने में, तू जानती है ना? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी ना हर्ष, चलो। हेलो अंकल। हेलो पापा। ये जरूर हर्ष होगा, है ना? अरे अंकल आपको कैसे पता चला? यामिनी काफी बातें करती है तुम्हारे बारे में। आई होप इसने मेरी कोई बुराई ना की हो। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बुरे तो सिर्फ ये मेरी करनी होगी ना अंकल। बाय द वे आई एम राघव। ओ तो तुम राघव हो? हाँ जी। काफी सताते हो इन दोनों को, नहीं? मैं सताता हूँ? क्या बात कर रहे हो अंकल, मैं तो बड़ा ही शरीफ लड़का हूँ। ये दोनों सताते मुझे।
खैर चलिए डायरेक्टली डिनर करते हैं। कब आओ बेटा। तो तुम दोनों कॉल सेंटर में कब से काम कर रहे हो? वो कॉल सेंटर में? कॉल सेंटर में बहुत अच्छा चल रहा है अंकल, बहुत अच्छा चल रहा है। अब पापा आप भी ना घर पे आप काम की बातें कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, एंजॉय योरसेल्फ। हर्ष मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, मैं जाके तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। क्या करा यार, ये सब कुछ यामिनी ने खास तेरे लिए किया, और तू थोड़ा ले लेता तो तेरा क्या जाता है? राघव मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, ये प्यार ये अपनापन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से होश संभाला है हमेशा अपने आप को अकेला पाया है, ये सब घर परिवार का माहौल मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बहुत अजीब लगता है राघव, बहुत अजीब लगता है। खुशियों से डर के जिया तो क्या जिया आज? यामिनी का प्यार तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, अपने दिल के दरवाजे खोल दे मेरे दोस्त, और देख किस तरह इस प्यार की मीठी खुशबू तेरे जिंदगी में खुशियों के रंग लेकर आती है। एक मिनट राघव, क्या कहा तुमने? यामिनी का प्यार? राघव यामिनी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बस और कुछ भी नहीं। क्या तेरे दिल में यामिनी के लिए दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है। नैना स्टूडियो, एड्रेस तो यही है। बड़ी अजीब सी जगह है। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा? मैं ये पैकेट देने आया था। क्या है इस पैकेट में? फिल्म की रील है। तुम्हें पता नहीं स्टूडियो कब से बंद पड़ा है? चल भाग यहाँ से।
तुझे नहीं पता एड्रेस सही का था तो मैं लेके आ गया। ए, अरे ए, अरे सुन, अरे कहाँ गया? क्या देख रहा है? अरे यार अच्छा हुआ तू आ गया। फिल्म? हाँ यार एक लड़का आया जबरदस्ती मुझे पकड़ा कर चला गया। चल देखते हैं। अरे लेकिन देखेंगे कहाँ? स्टूडियो में। अरे स्टूडियो तो कब से बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं प्रोजेक्टर चलेगा भी कि नहीं। अरे चलना यार, कोशिश करते हैं, क्या पता चल जाए। ठीक है। प्रोजेक्टर चालू हुआ क्या? चालू होगा ना, लाइट ऑफ कर पहले तू। अभी ले। अरे आजा, चालू हो गया। देखा मैंने बोला था ना, चल अब मजे से बैठ के फिल्म देखते हैं। विजय तुम आ गए, 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, मेरी याद नहीं आई विजय। आई नंदनी, मुझे हर पल तुम्हारी याद आई। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई? तुम तो मेरी सांसों में बसे हो, मेरे हर सांस में तुम्हारा नाम है। और देखो ये मैं तुम्हारे लिए काला है। ओफो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था, देखना चाहता था कि साथ में कितने अच्छे लगते हैं तुम लोग। राघव प्लीज, और ये कैमरा सिर्फ आत्माओं को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करो, मुझे नहीं। I'm sorry, अमी। मुझे लगा कि तुम दोनों भी आत्माएं हो। वेरी फनी। राघव क्यों टाइम पास कर रहे हो? चल पहले ये बता, तू इतने ध्यान से पढ़ क्या रहा है? एक ऐसी खबर जो हमें हमारी अगली आत्मा की तलाश पर ले जाएगी। रियली? दो लोगों की नैना स्टूडियो में संदिग्ध मौत? नैना स्टूडियो? हाँ, कुछ याद आया? जो भी इस मम्मी को यहां से हटाने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म कैन थमा दिया। नैना स्टूडियो तो उस रील पे लिखा था जो भूमिका के हाथ में थी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद इन मौतों का संबंध दूसरी दुनिया की कोई शक्ति से है। ऐसा हो सकता है? अखबार में तो लिखा है कि नैना स्टूडियो कई सालों से बंद पड़ा है, तो फिर अचानक दो दो मौतें? तो फिर चलो चलते हैं नैना स्टूडियो। नैना दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा की स्टूडियो में उन दो मौतों की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। तुम्हारे जीजू वही पता करने गए हैं, पता चल जाएगा कि ये मामला खून का है या आत्महत्या का। दीदी मुझे तो लगता है कि कोई हमारे स्टूडियो के नाम पर कीचड़ उछालना चाहता है, इसलिए वो वहां पर ये सब करवा रहा है। सच में जीजू? निखिल कुछ पता चला? क्या हुआ निखिल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बोलो नैना, क्या बोलो, अब तो तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ गई होगी ना। अब दीदी मुझे सुधा के यहाँ जाना है, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय जीजू, बाय दीदी।
कब से बोल रहा था, कब से बोल रहा था नैना कि स्टूडियो भेज देते हैं, स्टूडियो भेज देते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। डैम इट यार, मुझे क्या पता था स्टूडियो में दो लोग मारे जाएंगे, और वैसे भी वो स्टूडियो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, उन्होंने मेरे नाम पे खोला था वो स्टूडियो। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने वो स्टूडियो क्यों खोला था। नैना, तुम्हारे पिताजी एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर थे, और क्योंकि उनकी बिना सर पैर की फिल्मों में कोई आदमी हाथ नहीं डालना चाहता था, इसलिए उन्होंने खुद के लिए एक स्टूडियो खोल दिया। वाओ! देखो निखिल, तुम चाहे मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पिताजी के बारे में मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। तो पहले से वो स्टूडियो इतना मानूस है, पता नहीं स्टूडियो कैसे बिकेगा, दो लोग और ऊपर से मर गए उसमें। वाह नैना, ये रील मिली है पुलिस को वहां से, अब जाओ जाके ये रील अपने पिताजी की फोटो पे टांग दो फूलों की माला के साथ। निखिल, मेरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, दो इंसानों ने अपने आप को जंगली जानवरों की तरह मार दिया। मुझे तो ये मौत देख के ऐसा लग रहा है जैसे उस थिएटर के मैनेजर की हुई थी। इंसान नहीं मार रहा, ये दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का काम है जो इंसानों से ये सब करवा रहे हैं। ये प्रोजेक्टर तो यहीं पड़ा है। लेकिन रील गायब है, कहीं वो रील पुलिस तो नहीं ले गई। ये भी तो हो सकता है कि वो रील इस स्टूडियो के मालिक के पास हो। हमें जल्द से जल्द उस रील तक पहुंचना होगा, अगर किसी ने वो रील देख ली न जाने और कितने लोगों की जाने जा सकती हैं। चलो। हे भगवान, ये क्या हाल बना कर रखा है अपने रूम का। कोई जरूरी कागज ढूंढ रही हूँ। कौन से कागज? फिल्म के कागज है, तू नहीं समझेगी। आपके पापा ने बनाई थी फिल्म? नहीं, इससे पहले कि वो कोई फिल्म बना पाते उनकी मौत हो गई। तो फिर आपका स्टूडियो? उसके बाद उस स्टूडियो में फिर कोई फिल्म नहीं बनी। तो आप कौन से कागज ढूंढ रही है अभी? निखिल को ये रील मिली है हमारे स्टूडियो से, पर अगर पापा ने कोई फिल्म नहीं बनाई तो ये रील किस चीज की है वो ही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आप कागज क्यों ढूंढ रही है? ये रील को चला कर देख लो ना। पर कैसे? वो आपके पापा की पुरानी वाली मशीन है, फिल्म चलाने वाली। अरे हाँ, वो प्रोजेक्टर कहाँ है? वो नीचे दिखाने में पड़ा है। प्रोजेक्टर है कहाँ?
इतना पुराना है, चलेगा भी या नहीं? तुम्हें देख रही हूँ, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, मेरी याद नहीं आई विजय। आई नंदनी, मुझे हर पल तुम्हारी याद आई। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आई? तुम तो मेरी सांसों में बसी हुई हो। जालिम दुनिया वाले, जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मैडम, और मरने के बाद हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, विजय, नंदनी, विजय, नंदनी, मैडम, मैडम, मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ घर। मैडम, मैडम, स्टूडियो का चक्कर है। नहीं, वकील ने पेपर्स बना दिए स्टूडियो बेचने के लिए, लेकिन बस अब पार्टी पैसा दे दे टाइम पर तो बात बन जाएगी। बिना मैं तुझे फोन करता हूँ एक मिनट में। नैना, नैना क्या हुआ? नैना, यही घर है, चलो अंदर चल के पूछते हैं उस फिल्म मिल के बारे। नैना, 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 अरे कहाँ हो तुम नैना? नैना, नैना, इतनी लेट कौन आया होगा? नैना, 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 नैना।
नैना, नैना तुम ठीक तो हो? नैना नैना, अरे नैना प्लीज प्लीज, ये क्या हो गया नैना? नहीं नैना, मुझको मत मारो, प्लीज प्लीज नैना, प्लीज 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 नैना, अरे नैना प्लीज प्लीज, ये क्या हो गया नैना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम चाहती हो ना? तुम मुझे क्यों 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 मारना चाह रही हो? अब शूटर नहीं बचेंगे, अब शूटर नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे। शायद घर पे कोई है नहीं। अंदर से आवाजें तो आ रही है। मुझे लगता है या तो अंदर कोई है नहीं या तो किसी का मूड नहीं है दरवाजा खोलने का। राघव चलो चलते हैं, दोबारा आएंगे। ये क्या, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया। आपने हमें डरा ही दिया। आप मुझसे डर गए, मैं आत्मा थोड़ी ना हूं। हम कब से आपके घर की घंटी बजा रहे थे? अरे हाँ, वो मैं अंदर खाना बना रही थी और टाइम लग गया दरवाजा खोलने में। आप नैना है ना? हाँ मैं ही नैना हूँ। आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? आप ही नैना जी है? वो हम दरअसल आपसे फिल्म के रील के बारे में पूछने आए थे। फिल्म रील? कौन सी फिल्म रील? वही रील जो आपको आपके पुराने स्टूडियो से मिली थी। हाँ वो रील तो मैं देखने वाली थी। नहीं नहीं भूल से भी उसे मत देखना। क्या मतलब? नैना जी हमें शक है कि उस रील का संबंध स्टूडियो में हुई मौतों के साथ है। रील का संबंध मौतों के साथ? मैं कुछ समझी नहीं। वो कहते कि जो कोई भी इस फिल्म को देखता है उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, अच्छा हुआ आप लोग पहले आ गए, नहीं तो मैं वो रील देख ही लेती। क्या आप हमें वो रील दे सकते हैं? हाँ वो तहखाने में है, प्रोजेक्टर के अंदर। आइए ना आइए। डरिए मत, आइए।
वैसे नैना जी, अच्छा हुआ आपने ये फिल्म देखी नहीं। कैसे देखती आप लोग जो आ गए देखने से पहले। ले लीजिए। I'm sorry, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। अगर आपको उन मौतों के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। जरूर। कमला जल्दी खाना दे, भूख लगी है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या तेरे को? खाना तैयार नहीं है, इंतजार करो। क्या रात का 10 बज रहा है और अभी तक खाना नहीं तैयार है? इतनी भूख लगी है तो होटल में जाके खा लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगी तू? हाँ बोल, खाना क्यों नहीं बनाया? अरे भैरी हो गई है क्या, सुनाई नहीं देता तुझे? अरे अंधी, खाना चल रहा है, दिखता नहीं तेरे को? अरे क्या कर रही है? हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। शाबाश, अच्छा हुआ तुम लोग नैना से रील ले आए। क्या पता कोई आत्मा दिख जाए इसमें। ये क्या,
इस रील में कुछ भी अजीब नहीं था और कोई आत्मा भी नहीं थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रील देख के लोग मर क्यों रहे और हमें क्यों कुछ नहीं हुआ। नैना ने तुम लोगों को गलत रील दी है। जिस रील की तलाश में तुम लोग गए थे वो अभी भी नैना के पास है। पर नैना ऐसा क्यों करेगी? ये तुम नैना से ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? गलत रील का गुस्सा आप यामिनी पर क्यों निकाल रहे हैं? मेरा गुस्सा तुम लोगों ने अभी तक देखा ही कहाँ है। जब तक रील नहीं मिले वापस मत आना। जाओ जाओ यहां से। चलो हर्ष चलते। नैना जरूर हमसे कुछ छुपा रही है वरना वो इस तरह हमें गलत रिंग देकर गुमराह नहीं करती। नैना नैना दरवाजा तो खुला हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। नैना निखिल नैना नैना निखिल नैना निखिल नैना निखिल नैना निखिल यहां पर तो कोई भी नहीं है। यहां पे तो कोई भी नहीं है। शायद तहखाने में होंगे। चलो नैना निखिल यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग घर का दरवाजा ऐसे खुला छोड़ के कैसे जा सकते हैं। वो सब छोड़ जल्दी से रील लेकर निकलते हैं हम यहाँ से। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। चल यहाँ पर तो कोई भी रील नहीं। प्रोजेक्टर भी खाली। मुझे लगता है रील यहीं कहीं होगी। चलो चलो ढूंढते हैं। शायद इसकी मौत उस रील की वजह से हुई है जिस तरह वो दो लोग मारे गए हैं स्टूडियो में। पर ये रील है कहाँ? ना तो नैना मिल रही है और ना ही रील। इससे पहले कि ये रील और बेगुनाह लोगों का खून करते हमें वो रील ढूंढना ही होगा। चलो स्टूडियो वापस चलते हैं। वहीं से हमें उस रील के बारे में और भी पता चल सकता है। चलो न जाने कितने सालों से बंद है ये जगह। हाँ 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। चलो ढूंढते शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका संबंध उस फिल्म रील के साथ हो।
नैना स्टूडियो? हर्ष, राघव, ये तो किसी हवेली का फोटोग्राफ है। और एक लेटर भी है नैना स्टूडियो के प्रोड्यूसर के नाम पे। जरा पढ़ो तो। प्रोड्यूसर साहब, मैं एक लेखक हूँ और मेरे पास एक सच्ची कहानी है जिस पर आपको फिल्म बनानी चाहिए। शहर से 500 मील दूर भीमगंज नाम की एक 300 साल पुरानी हवेली है जिसमें आत्माएं बसती हैं। आपको इस हवेली पर जरूर एक फिल्म बनानी चाहिए। 500 मील दूर भीमगंज हवेली? अगर भीमगंज हवेली में आत्माएं है तो हमें वहां जाना चाहिए। जरूर जाएंगे, बस एक बार इस रील का राज खुल जाए, हम ये संभाल लेते हैं। अब चलो ढूंढते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। ये तो सिर्फ एक सीन है, बाकी की स्क्रिप्ट कहाँ है? पता नहीं यार, इसमें तो बस इतना ही था। इसमें एक्टर्स के नाम भी लिखे इसमें शायद, जिसने ये किरदार निभाया है। कहीं ये उसी फिल्म रील की स्क्रिप्ट तो नहीं? हो सकता है। राघव, आगे पढ़ना। इस सीन में लिखा है कि एक पति अपनी पत्नी को मार देता है और उसके बाद कोई उस पति का ही खून कर देता है। राघव, पढ़ते रहो। आगे लिखा है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो। स्क्रिप्ट? तुम्हें स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? मुझे जो स्क्रिप्ट दे दो। अरे स्क्रिप्ट? ए, रुक जाओ। चलो यहाँ से चलते। पर यामिनी, ये इस वक्त यहाँ से चलते हैं। चलो। पता नहीं मेरे पति इतने दिनों से कहां गायब है।
स्टूडियो? ये तो हमारे स्टूडियो का नाम है। अगर पापा ने कोई फिल्म ही नहीं बनाई, ये किस फिल्म के रील है? चला कर देखते हो। ये जालिम दुनिया वाले जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और मरने के बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैडम, ओ मैडम, मैडम मुझे घर जल्दी जाना है आज। मैडम कल से मेरा हस्बैंड नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे घर जल्दी जाना है। कुछ तो बोलो। मैडम, मैडम क्या हुआ बोलो, मैं जाऊं ना? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, दीदी, तो मैं कुछ लेने आई थी यहाँ पे, लेकिन भूल गई क्या लेने आई थी। देखा दीदी, इतनी टेंशन की वजह से आपकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। चलिए आप अभी आराम कर लीजिए। चलिए। जी कहिए। ये मयंक का घर है ना? हाँ जी, उन्हीं का घर है ये। दरअसल हम उनसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ, आइए। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? हम कुछ समझे नहीं। दरअसल कई साल पहले एक शूटिंग के दौरान मयंक की मौत हुई थी। शूटिंग के दौरान? ये शूटिंग नैना स्टूडियो की तो नहीं थी? हाँ हाँ, उसी स्टूडियो की थी। और सिर्फ वही नहीं, सारे के सारे एक्टर मारे गए थे उस शूटिंग के दौरान। पर कैसे? ये तो आज तक एक राज ही है। आपने कभी उस फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से कुछ पूछने की कोशिश नहीं की? किससे पूछते, उस दिन के बाद से डायरेक्टर ही गायब है। क्या आप लोगों के पास इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं? कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हम वो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं? हाँ हाँ, मैं लाती हूँ।
ये देखिए, ये मुहूर्त के फोटो हैं। ये कौन है? यही तो है उस फिल्म का मनहूस डायरेक्टर। ये तो वही बुड्ढा है जो उस दिन हमें स्टूडियो के बाहर मिला था। इसका मतलब कि वो उस फिल्म का डायरेक्टर था? शायद उस हादसे की वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। चलो मिलते हैं उससे। वो एक ही आदमी है जिसके पास हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कब तक आप ये राज अपने सीने में दफना के रखेंगे? आखिर सच क्या है ये आज आपको बताना ही पड़ेगा। कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। देखिए आप सब कुछ जानते हैं और जानकर भी अनजान बन रहे हैं। नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें हमारे सवालों के जवाब ना दें। ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए। कुछ याद आया? ये आपके फिल्म की मुहूर्त की फोटोग्राफ है। ये तुम्हें कहां से मिली? मयंक के घर से। अब बताइए, उस फिल्म पर आपने ऐसा क्या शूट किया था जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं? हाँ, मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। मौत दिखाना चाहता था मैं। मतलब असली मौत? हाँ, असली मौत। मैं अपनी फिल्म में असली मौत दिखाना चाहता था, पर मेरे एक्टर ये नहीं जानते थे मैंने उनके चाकू बदल दिए हैं। सुनो, इस शॉट में मुझे तुम्हारे रियल एक्सप्रेशन चाहिए, एकदम असली। जी सर। ये एक अमर प्रेम कथा है। इसमें तुम दोनों एक दूसरे को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इससे पहले कि मौत तुम दोनों को जुदा करे, तुम दोनों ने साथ साथ मरने का फैसला किया है। साथ साथ। साउंड, कैमरा, एक्शन। ये जालिम दुनिया वाले जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और मरने के बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। विजय। नंदनी। विजय। नंदनी। जब तक किसी का खून ना हो जाए तब तक वो चैन नहीं पाते। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी इस फिल्म की वजह से कितने लोगों की जाने गई है? शर्म आनी चाहिए आपको, इतना सब कुछ हो रहा है और आप यहाँ चुपकर बैठे, जबकि इस मौत के खेल की शुरुआत आप ही से हुई है। मैं लाचार हूँ, ये फिल्म मुझ पर भी वही असर करती है जो दूसरे लोगों पर कर रही है। क्या मतलब? मैंने भी एक खून किया है। खून? किसका खून? इस फिल्म के एडिटर का। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने खून किया है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये खून क्यों किया। इस फिल्म को देखने के बाद ही मैंने ये खून किया होगा। तभी तुम यहां चुपकर बैठे हो, क्योंकि तुम एक खूनी हो। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि पुलिस कहीं मुझे पकड़ ना रहे, इसलिए मैं ये खाना बदोश की जिंदगी जी रहा हूँ। क्या आपको जरा सी भी खबर है कि आपके पापों की सजा आपकी बेटी भुगत रही है? मेरी बेटी? हाँ, आप ही के फिल्म की वजह से आपकी बेटी ने अपने हस्बैंड को मार दिया। क्या? मेरी बेटी ने अपने ही पति को मार डाला? और ये बात वो पूरी तरह भूल भी चुकी है। ये मैंने क्या कर डाला? अपनी ही बेटी को विधवा कर दिया। अब इससे पहले कि आपकी बेटी और लोगों की जाने ले, हमें उसे रोकना होगा। हाँ, हमें रोकना होगा, हमें ये सब रोकना होगा।
पापा ने तो कोई फिल्म नहीं बनाई, ये किस फिल्म की रील है? चला कर देखते हो। तुम आ गए, 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए काला आया हूँ। जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। दीदी, दीदी, ये जालिम दुनिया वाले जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और मरने के बाद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। की वजह से इतनी सारी मौत है। हमें वो रील चला देनी चाहिए इससे पहले कि कोई और वो फिल्म देख ले। के बाद ना तो कोई ये फिल्म देखेगा और ना ही किसी इंसान के अंदर ऐसी हैवानियत जागेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।